बाद जो आज हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम वो व्यायाम होते हैं जो कोई भी कठिन आसन या योगा अभ्यास करने से पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए करने होते हैं, जिससे बॉडी में गर्माइश आ जाती है और हम कोई भी कठिन आसन करेंगे तो हमारे शरीर में की नस नाड़ियों में कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। तो सबसे पहले कोई भी कठिन आसन करने से पहले क्या करना पड़ता है, सूक्ष्म व्यायाम करना पड़ता है। तो आज हम क्या करेंगे, पूरी बॉडी को वार्म अप करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो आप देखते रहिए और साथ में व्यायाम के करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे गर्दन के लिए, लंबी गहरी सांस लेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और वहीं पे होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखो, सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे की तरफ, एक बार फिर से, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। इस पोज को आप 4 या 5 टाइम कर सकते हैं। अब अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए राइट साइड लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, फिर से लंबे गहरी श्वास भरते हुए अपनी लेफ्ट साइड, एंड रिलैक्स। इस पोज को भी आप 4 टाइम राइट साइड एंड 4 टाइम लेफ्ट साइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कंधों के लिए कुछ योगाभ्यास करेंगे। पीछे की तरफ से, एंड रिलैक्स। अब हम श्वास भरते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऐसे सिर के ऊपर लेके और श्वास भरते हुए ऐसे होल्ड करेंगे, एंड रिलैक्स। अब दूसरी तरफ से श्वास भरते हुए हाथ को स्ट्रेच करेंगे, इसको भी आप 4 या 5 बार दोहरा सकते हैं। अब कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम, अब दूसरी तरफ से, अब पंजों के लिए और घुटनों के लिए, ऐसे अपने आपको रोक के रखें। मेरे पैर अच्छे दिख रहे हैं, पंजों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, अब दूसरी तरफ से, अब सांस भरते हुए पंजों को आगे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करें, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब अंदर की तरफ खींचेंगे ऐसे, एंड रिलैक्स। आज के लिए इतना ही, ये थे हमारे शरीर के लिए सूक्ष्म व्यायाम। आगे कल से फिर नई वीडियो के साथ, बाय।